वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग, आज हम सुनने वाले हैं आदि 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 का गाना, जो कि प्रोड्यूस बेसिकली किया हुआ है उसने खुद। और ये मैं पहले तो शॉक हुआ, लेकिन बाद में मैंने कहा कि अच्छी बात है कि अपना सीन ऑन हुआ है। तो नॉकआउट गाने का नाम है, मेरा टाइम से आया कि पिंडा 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 पिंडे च दर्द हो रही तेरे। तो पिंडी में कुछ ऐसे रैपर्स हैं, वैसे कराची और पिंडी में सबसे ज़्यादा रैपर्स पाए जाते हैं, हमें जितने नज़र आते पाए जाते हैं, मतलब हमें नज़र आते हैं। उनमें से अगर पिंडी के अंदर अच्छे रैपरों में से अगर किसी का प्लेलिस्ट में नाम आता ना, ये बंदा उसमें ज़रूर आता, समझ रहे हो। तो हाँ जी भाई, मेरे लिए है। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि क्या लेकर आया नॉकआउट। यस कमांडो। आदि कल नहीं पूछते थे मेरे, आज उठाने लगे चौदह बातें पीठ पे मुंह पे मेरे बेचारे बनते। तब पता चला कामयाब हो रहा हूँ मैं, जब टेस्ट करके मुझे इन रैपर्स के व्यूज आने लगे। टेक्निकल तो नहीं, मैं लव तो तोड़ जोड़ लेता हूँ, सब जानते हैं रैपर्स को तोड़ फोड़। मैं तुम्हें यही बात मेरे जेहन में भी थी और अब उसने खुद ही कर दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ ना ब्रो, मैं एक टाइम ऐसा आया था मैं इस बंदे को ना रिपीट भी इतना सुनना शुरू हो गया था जिसकी वो हद नहीं। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, बहुत ज़्यादा सुनना शुरू हो गया था इस बंदे को। उससे दो चार मैंने गाने सुने थे और मैं वो बात रिपीट में ऐसे लग गए थे कि बस। और शायद वो जो एक आर्टिस्ट, मैंने अक्सर इंटरव्यू देखता हूँ ना, तो अबे यार यही रैप के चौधे बनना होता है तो फिर करना पड़ता है। तो फिर वो उसके अंदर मैं देख रहा था काफ़ी रैपर्स हैं और काफ़ी बड़े रैपर्स हैं, इधर के भी और उधर के भी, उधर के मतलब बाहर के देसी में। मैंने देखा कई आर्टिस्ट हैं जो भाई सिंपल लिरिक्स रख के खड़क देते हैं, लेकिन वो इतना लूप मटेरियल बन जाता ना ब्रो, जिसकी को हद नहीं होती। तो ये वो ही बंदा है, ये बीच में इतने वो खंदक नहीं बनाएगा कि रेफरेंस और मेटाफर्स और बहुत कि कहते हैं कॉम्प्लेक्स राइम रख के, ठीक है ना, बोला सीन नहीं करेगा। वो क्या कहते हैं, हम बार टू बार राइम करता है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत होती है जिसकी को हद नहीं। सिंपल है लेकिन मज़ेदार है। रिपीट पर लगना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, एक आर्टिस्ट का गाने रिपीट पर सुनना और अपने आप को रिपीट वाला बनाना, वो बना रहा है अपने आप, ये फर्क डालता है। छोड़ भी देता हूँ घसीटने में रैपर्स को, कोई कसर नहीं छोड़ता मैं, डिस कर दूं किसी को तो माचो देता हूँ। ये नरम पीस रैपर कहते खुद को बीफ रैपर, मैं और मेरा भाई खाके बैठे दस पीस रैपर, बड़ा तो बड़ा बचो तुम सब अब छोटे से भी, क्योंकि ऐसी बीटों पे बनते हैं। मेरा भाई फादी है मेरा मीट रैपर्स, बस मेरा मिले गोल्ड रेट पे बिकते रैपर्स होलसेल पे, डिस कर रहे मुझे बहुत लेट, ये उर्दू रैपर मैं सोलमेट से 47 चलूं बहुत तेज, मैं 24/7 रहता रेंज में, फेवरेट रैपर तेरा मेरी प्लेट में, कॉल मी मैग्नस चेकमेट, ये वक्त नहीं। ऐसे ही मैग्नस हो रहा तो मेरे को वो भाई चेस का मैप, मेरे हर जगह पे भाई चेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ, अपन बहुत खेलता है, मेरे को फेवरेट है। तो मैंने फिल्म नहीं देखी हुई, उस बंदे के मैच नहीं देखे हुए, लेकिन मैं एक टोरेंट पे भाई मार रहा था, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री थी इसकी, इस टोरेंट पे थी कहीं पे थी। तो ये चेस का प्लेयर है, ये मेरे को पता है, लेकिन चेस खेला कर भाई, बड़ा मजेदार गेम है। तो पे बनते हैं मेरा मीट रैपर्स, बस मेरा मिले गोल्ड रेट पे कह रहा बस होलसेल पे, डिस कर रहे मुझे बहुत लेट, ये उर्दू रैपर मैं सोलमेट से 47 चलूं बहुत तेज, मैं 24/7 अपना वक्त आने में, हाँ थोड़ा वक्त तो लगा है, कल न्यूज में ही नहीं थे, आज हम फ्रंट पेज पर है, अब साथ रह के सक्सेस चेस करना, मुझे डेट करना चाहती है। मैं थोड़ा लेजी हूँ पर बीट पे जेट लगूं, फक माय राइवल्स इन सबको मैं रिजेक्ट करूं, थ्रेट नहीं करता मैं, करता सीधा डेस्क बार, चढ़ियां और बंदियां मैं दोनों इनकी बैट कर दूं, निकल भड़वे इधर तेरी कोई जगह कोई नहीं, आई गॉट सम ब्रदर्स उनके अलावा सगा कोई नहीं, भरोसा नहीं करता मैं अब किस
किसी और शख्स पे क्रिकेट के जैसे लोग वफा के काबिल बचा कोई नहीं। अवाम जानती है इधर गली कूचे की, मैं नजारी कभी बैठे हमसे पूछते नहीं। वो दिन अब दूर नहीं जब कामयाबी चीखेगी, पिंडी से ओवरसीज आवाज अपनी गूंजेगी। बात कम सदा बीते चौदह हैं, जंगे सब फतह करके लौटे हैं। जिंदगी कम देती मौके तभी हर मौके पे हम मारे चौके है। दिन दिन मेरी बढ़ती जारी, प्रॉपर गाने में गायब जाली, गालिब में शायरी में असर भारी, मंजिल को पाना है सफर जारी। I'm done. Signing off. ब्रो ये देखा ना, मैं तेरे को बोल रहा था वीडियो के बीच में, मैंने बोला ये लूप मटेरियल बना देता ब्रो, ये अब लगेगा रिपीट पे। जितना सिंपल बार टू बार टाइम करके एक अच्छा गाना बना देना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि लोग आगे पर ना आजकल अजीब, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती। क्यों सच बोलूँगा तो भाई वो इस पर मैं वीडियो एक बनाऊँगा, वो दूसरे चैनल से मैं ज़रूर निकालूँगा। मेरे को ज़रा कि आर्टिस्ट उस आर्टिस्ट को नीचा गिरा रहा है कि जो राइम बार टू बार राइम कर रहा है, ज़रूरी नहीं है ब्रो, एक अलग वजूद है उसका, वो उसके हिसाब से बनाएगा जो उसको आता है, जो उस पर अच्छा लगता है और पब्लिक को अच्छा लगता है। मैं खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, जैसे फादी और उसका उमरन की ना है, उमरन जो कह रहा हूँ, जैस जो है वो बात करता है इस तरह का, मैं देखा है उसका एक दो लाइव ब्रो और वीडियो आई हुई थी तो मैं देखी। इस तरह नहीं होता, हर आर्टिस्ट का अपना अपना आर्ट होता है ब्रो। मैं समझता हूँ बीफ के बीच में जाहरी बात है खामियाँ ही निकालनी होती हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता, हकीकत ऐसी नहीं है। कोई किसी तरह लिख रहा है, कोई किसी तरह लिख रहा है। अब उस तरह तो गोस्ट राइटिंग सारे लोग, अब जेजी ने कितने गाने दिए हैं तुम्हें पता ही नहीं होगा इसलिए, क्योंकि सब चलता है ब्रो, सब चलता है। ड्रेक चाचू हमारा वो कहाँ कहाँ से उठाता है गाने, खुद नहीं कई जगह लिखता, हमें सबको पता है, लेकिन हम इन चीज़ों को बोल। अब्बू जी बाहर कोई मानना तो बाहर से भी चीज़ें देखो भी तो ना ब्रो, हर आर्टिस्ट का अपना अपना मज़ा होता है ब्रो, मज़ा होता है। चलो डोली लेनी है, लेकिन इंटरेस्ट की बात करूँ कि कोई किसी तरह लिखता है, कोई किसी तरह लिखता है, ये नहीं बात होती कि ये राइम कर रहा है वो राइम कर रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, और प्लीज़ 14 साल के 14 तेरी मैं गांड मारूंगा अगर तूने ये बात की कि हिप हॉप की नॉलेज तेरे पास नहीं है बॉस, ठीक है। और ये हिप हॉप की नॉलेज कोई वो नहीं है, कोई अजाब नहीं है, 5 गाने 6 गाने सुनो समझ आने शुरू हो जाएगी, नेट पे खोल के 2-3 वीडियो देख समझ आ जाएगी, कोई साले डॉक्टर नहीं बनना तुम्हें, समझ रहे हो ब्रो। गलत नहीं मैं बोल रहा, तुम लोगों को पता है, इस चीज़ को समझो। तुम हर आर्टिस्ट का अपना अपना जायका होता है, फादी को जो सुनते हैं वो उसकी पब्लिक है, उसको उनको पब्लिक को यही पसंद आता है, जो उमर को सुनते हैं उनको उमर वाले रैम सीन पसंद आता है। मैं रिसेंटली 2-3 बनीर के ऐसे रैपर्स हैं जिनको मैं सुन नहीं रहा, कुछ 6 महीने हो गए, मुझे नहीं मज़ा आ रहा, समझ रहे हो तुम, तुम्हारा भी दिल करता होगा तो मिलता हूँ यार किसी अगली वीडियो पे। आप समझने की कोशिश करना पड़ो, अपनी बकचोदियाँ अपनी गान में ले ले, यानी कि ये ले ले पूरी गान। हाँ जी यस कमांडो, जिन्होंने नहीं सुना लिंक डिस्क्रिप्शन में।